23 अगस्त को भारत के इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में लिखा गया है जिसे आने वाले 100 सालों तक भी भारत कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि 23 अगस्त 6:04 पर जब भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी तो उस समय भारत के 140 करोड़ लोगों की छाती गर्व से इतनी चौड़ी हो गई थी कि दुनिया भी देखकर हैरान रह गई थी। लेकिन अब हम आप लोगों को जो खबर बताने वाले हैं उसे जानकर आप लोगों की छाती गर्व से साथ में आसमान पर पहुंच जाएगी, क्योंकि जैसे ही 23 अगस्त को भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के सीने से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला उसके बाद तो इसरो ने ऐसा धमाका किया कि नासा भी देखकर हैरान रह गया। क्योंकि जो काम नासा ने चांद के सेंटर में पहुंचकर किया उससे बड़ा धमाका तो भारत ने चांद के साउथ पोल पर पहुंचकर कर दिया, क्योंकि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के सीने से निकला हुआ रोवर भारत की कभी न मिटने वाली अमिट छाप छोड़कर आएगा। दरअसल आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जब विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था तो उसके ठीक 2.5 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आया था, क्योंकि जब विक्रम लैंडर ने चांद पर लैंड किया था तो उस समय वहां पर धूल उड़ने लगी थी और इसी धूल के साथ होने के बाद इसरो अपने प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से बाहर निकाल कर लाया, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी लगन और मेहनत के दम पर एक बड़ा धमाका करते हुए प्रज्ञान रोवर के पहियों पर इसरो के चिन्ह के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को उकेरा गया है, यानी कि प्रज्ञान रोवर के पहियों पर इसरो का लोगो भी बना हुआ है और साथ ही साथ भारत का नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ भी, यानी कि प्रज्ञान रोवर चांद के साउथ पोल पर जहां जहां भी जाएगा वहां वहां इसरो का लोगो और अशोक चिन्ह को छापता जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मिशन के लॉन्च से पहले इसरो ने प्रज्ञान रोवर का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया गया था कि प्रज्ञान रोवर जैसे जैसे चांद पर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसरो के लोगो और अशोक स्तंभ की छाप छोड़ता जाएगा और भारत के ये निशान हमेशा के लिए चांद पर रहेंगे, क्योंकि भारत से पहले जब चाइना और रशिया ने चांद के इक्वेटर पे लैंड किया था तो ये देश भी अपनी छाप छोड़ कर आए थे। और 1969 का अपोलो मिशन तो याद होगा जिसके जरिए नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट को चांद के सेंटर पर भेजा था, तो नासा के एस्ट्रोनॉट भी अपने निशान छोड़ कर आए थे जो आज भी वैसे ही हैं जैसे वो छोड़ कर आए थे, क्योंकि चांद पर कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है और यही वजह है कि चांद पर छोड़ा हुआ कोई भी निशान हमेशा के लिए रह जाता है और चंद्रमा के साउथ पोल पर प्रज्ञान रोवर के निशान भी कभी नहीं मिटेंगे।